हेलो बच्चों, आज हम करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि कलर सीआरटी मॉनिटर्स, जहां पे हमने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे एक सीआरटी मॉनिटर के अंदर हम कलर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक थी। फर्स्ट टेक्निक लास्ट वीडियो में करी थी, जिसका नाम था बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। ओके, देन हमने उसके बाद जो दूसरी टेक्निक थी उसका नाम है शेडो मास्क टेक्निक, उसको हम आज करेंगे। तो आपको मैं चीज बता दू, शेडो मास्क टेक्निक या शेडो मास्क सीआरटी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो ये टेक्निक क्या, कैसे देखते हैं कि किस तरीके से सीआरटी के अंदर कलर प्रोड्यूस करती है। तो प्लीज जिसने पिछली वीडियो ना देखी बीम पेनिट्रेशन टेक्निक, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो देखो शेडो मास्क सीआरटी या शेडो मास्क टेक्निक के अंदर बेसिकली काम कैसे होता है। इट इज यूज इन raster scan display and produces wide range of color। अब जो ये टेक्निक है ये raster scan display में यूज होती है। raster scan display का मतलब पिक्सल वाली स्क्रीन, जहां पे हमारी जो इमेज होती है पिक्सल में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी जो स्क्रीन है पिक्सल की फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, वहां पे ये टेक्निक यूज की जाती है और काफी सारे कलर प्रोड्यूस करने में काम आती है। एक चीज बता दूं, लास्ट टाइम जब मैंने बीम पेनिट्रेशन टेक्निक करवाई थी तो वहां पे मैंने गलती से raster scan display लिख दिया कि ये raster scan display में यूज होती है। वहां पे मैंने बाद में करेक्ट भी करवाया था कि वो raster में नहीं, वो random scan display में यूज होती है, यानी कि vector scan display के अंदर। ठीक है, चलिए तो एक बार दोबारा से मैं रिमाइंड करवाना चाहता था, कहीं पे कई बच्चे स्किप ना कर गए वो पार्ट। अब देखो तो raster scan display में यूज होती है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या चलता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, तीन फॉस्फोर डॉट्स ऑफ रेड ग्रीन ब्लू एट ईच पिक्सल पोजीशन एमिट्स कोरस्पोंडिंग कलर्स। अब यहां पे क्या होता है, देखो हमने क्या, ये लाइन क्या कहती है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, अब स्क्रीन हमारे पास किस चीज में डिवाइड हो गई है, पिक्सल में। मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मान लो ये पिक्सल है। ठीक है, अब वो क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर पिक्सल में, कि जो तीन फॉस्फोर डॉट्स ऑफ रेड ग्रीन ब्लू एट ईच पिक्सल पोजिशन विच एमिट्स कोरस्पोंडिंग कलर्स। यानी कि ये पिक्सल तो मैंने बना दिया, बट इसके पीछे जो कोटिंग है वो तीन कलर की है, तीन फॉस्फोर की है। वो कौन कौन से हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और किस फॉर्म में, डॉट सर्कल की फॉर्म में। पिक्सल मैंने अगर सर्कल ले लिया, सर्कल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसके पीछे, इस पिक्सल के पीछे कोटिंग किसकी है, फॉस्फोर की, और वो तीन कलर में होगी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ऐसा क्यों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था आरजीबी कलर फॉर्मेट लेके चलते इस वजह से। चलिए ये चीज हो गई। एंड जोन से कलर पे, अगर रेड पे ग्रीन पे ब्लू पे जिस पे भी लाइट पड़ेगी वो उसके हिसाब से, रेड पे पड़ी तो रेड का शेड देगा, ग्रीन पे लाइट पड़ेगी तो ग्रीन का देगा, एंड ब्लू पे पड़ेगी तो ब्लू का शेड देगा। ठीक है, ये हमने सारा कॉन्सेप्ट पिक्सल में बहुत अच्छे से किया था। अब देखिए आगे क्या होता है, थ्री इलेक्ट्रॉन बीम वन फॉर ईच कलर एंड शेडो मास्क ग्रिड जस्ट फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन जस्ट बिहाइंड है। एक्चुअली मैं गलती से यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे कैमरा मुड़ गया है, एक सेकेंड, क्योंकि स्क्रीन एंड मेरे बीच में गैप थोड़ा कम होता है किसी चीज के लिए। जस्ट सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे पूरा आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ठीक है। तो ये है थ्री इलेक्ट्रॉन बीम्स वन फॉर ईच कलर एंड शेडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। ओके, तो यहां पे क्या है हमारे पास, अब हम यहां पे एक पिक्सल लिया। ओके, पिक्सल के ऊपर हमने तीन फॉस्फोर की कोटिंग कर दी, रेड ग्रीन एंड ब्लू की। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वो ये कहता है कि हमारे पास हर कलर की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगी। यानी हम यहाँ पे तीन कलर यूज करें, तीन इलेक्ट्रॉन बीम होगी। देखो ये तीन कलर की हमारे पास, ये ब्लू कलर के लिए है, ये रेड कलर के, और ये ग्रीन कलर के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, तीन इलेक्ट्रॉन बीम है। अब यहाँ पे मैंने देखो ब्लू ग्रीन रेड लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और ग्रीन कलर के, ऐसा नहीं है। ये बनी रेड कलर वालों के लिए, वो ब्लू कलर के वालों के लिए और ग्रीन कलर वालों के लिए। ठीक है, तो थ्री इलेक्ट्रॉन बीम्स वन फॉर ईच कलर एंड शेडो मास्क ग्रिड, ये हमारा शेडो मास्क ग्रिड होता है, शेडो मास्क ग्रिड। ओके,
इसलिए इसका नाम हमने शेडो मास्क टेक्निक भी रखा है। अब देखो शेडो मास्क ग्रिड क्या होता है, इस स्क्रीन के जस्ट पीछे होता है, यहाँ पे दिखाने के लिए तो मैंने गैप दिखाया, बट बिल्कुल ये आपस में चिपका होता है और इसके अंदर ये होल्स होते हैं, ठीक है, कोई पैटर्न होगा उसके आपसे होल्स होते हैं। चलिए अब ये शेडो मास्क ग्रिड जो होता है कंसिस्ट होल एंड अलाइन विद डॉट पैटर्न्स। अब देखो डॉट पैटर्न्स का मतलब पिक्सल की बात कर रहा है, तो ये जितने भी हमारे पास स्क्रीन में पिक्सल होंगे वो उतने ही हमारे पास क्या होंगे, शेडो मास्क के अंदर होल्स होंगे। शेडो मास्क के अंदर होल्स है वो आपस में अलाइन होते हैं, बिल्कुल जो पिक्सल है और वो जो यहाँ पे डॉट्स होगा उसकी पोजीशन बिल्कुल अलाइन होगी, ठीक है, तो जितने पिक्सल उतने होल्स और आपस में बिल्कुल अलाइन होंगे, ठीक है, यानी हर एक डॉट्स के पीछे एक होल होगा। ओके चलिए आगे। अब थ्री इलेक्ट्रॉन बीम्स आर डिफ्लेक्टेड एंड फोकस्ड एज ए ग्रुप ऑन द शेडो मास्क एंड एक्साइट ए डॉट ट्रायंगल बाय पासिंग होल। अब ये कहता है कि पीछे से जब इसको वोल्टेज मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेंगे, फोकस्ड ग्रुप फोकस्ड करेंगे, ग्रुप होके एक ही जगह पे फोकस करते हुए एक ही होल से निकलेंगे, ठीक है, कभी हो सकता है इससे निकले, कभी हो सकता है इससे निकले, वो तो जैसे इसको प्रिंट कराना है स्कैन लाइन के हिसाब से वैसे चलेगा। तो जैसे एग्जांपल ये कि ये क्या हुआ, ग्रुप होके फोकस हुए और एक ही होल से निकल रहे हैं, देखो ठीक है, और आगे जाके क्या करेंगे, देखो क्रिएट करेंगे एक्साइटेड डॉट ट्रायंगल बाय पासिंग होल। डॉट ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्सल है ये इसको डॉट ट्रायंगल्स कहते हैं, तो एक पिक्सल पे जाके स्ट्राइक करेंगे रेड ग्रीन ब्लू और उसके हिसाब से कलर जनरेट करेंगे, जिसको डॉट ट्रायंगल अगर ना समझ में आए तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये सपोज करो ये पिक्सल है, ये क्या कहते हैं, ये जो पिक्सल है इन्होंने इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो इसको इन्होंने तीन ट्रायंगल की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। सपोज करो कुछ रेड रेड कलर इसको दे दिया इतने एरिया को, ब्लू कलर इतने को दे दिया और ये बाकी बचा ग्रीन, तो इसको ये ट्रायंगल की फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा डीप में जाने वाली चीज नहीं है, ये समझ लो डॉट ट्रायंगल को एक्साइट कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, उस पिक्सल को एक्साइट कर रहे, उस फॉस्फोर के कलर को जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देन वन बीम एक्टिवेट ओनली वन कोरस्पॉन्डिंग कलर। अगर ये अब ये कहता है कि अगर ये ब्लू के लिए बनी है तो ये सिर्फ क्या करेगी, उस कोरस्पॉन्डिंग कलर को ही एक्साइट करेगी, मतलब उस कोरस्पॉन्डिंग फॉस्फोर कलर पर जाके जो कोटिंग है उसी पर स्ट्राइक करेगी, ये नहीं कि ब्लू वाली ग्रीन वाले कलर फॉस्फोर पर जाके स्ट्राइक कर रही है, नहीं, अगर ये बीम निकल रही है तो ये अगर रेड वाली के लिए है तो ये रेड वाली बीम इसी पे जाएगी, ब्लू वाली इसी पे जाएगी और ग्रीन वाली इसी पे जाएगी, ठीक है, समझ के बाद इसका कहने का मतलब। देन हम इसने क्या कहता है कि एंड कलर्स जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कलर्स। अब पिक्सल के अंदर हमने ये कितने देखे थे, 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग अ 24 बिट्स पिक्सल, यानी 3 बाइट पिक्सल की हेल्प से हम 16.7 मिलियन कलर्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आप इसको यूज करके बहुत सारे कलर यूज कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उस पिक्सल की इंटेंसिटी को कम ज्यादा जैसे भी उसको करना है। अब यहाँ पे कई बच्चों को अगर पिक्सल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी कि इंटेंसिटी को कन्वर्ट कर वेरी करने का मतलब क्या है, देखो हमने क्या कहा था, पिक्सल के अंदर तीन कलर है यानी तीन कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, बहुत जरूरी है, ये आर जी बी यही था, वहां पे हमने क्या कहा था आर जी बी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0 से 255, जिसने वीडियो देखी होगी वो समझ जाएगा, जिसने नहीं देखी मैं ज्यादा उसको डिटेल में जाऊंगा, सीधा बात करूंगा। पिक्सल तीन चीजों से मिलकर मिला आर जी बी, वहां पे हमने क्या कहा कि रेंज क्या होती है 0 से 255 हर किसी की, ठीक है, 8 बिट्स की वजह से 256 होती है। तो इसको वेरी करने का मतलब क्या, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 40, यहाँ पे मैंने दे दी 50 और यहाँ पे मैंने दे दी 255, ये वैल्यूज मैंने दे दी इनके अंदर, तो ये हमने क्या किया वैल्यू चेंज कर रहे, कभी 40, 50, 1, 2, 5 जो भी है, इसका मतलब क्या है, मैं जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने उसको रोटेट किया, पंखा होता है ना रेगुलेटर, आप क्या करते हो उस रेगुलेटर को घुमाते हो, स्पीड बढ़ा देते हो कम कर देते हो, ऐसे इसमें क्या है कोई चीज लगी होगी जिससे वैसे जिसकी वजह से क्या वो इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी, यानी उसकी जो वैल्यू है आरजीबी की वो कम ज्यादा होगी, वहां से उसको वैल्यू मिलेगी और अपना कलर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये था शेडो मास्क टेक्निक के अंदर, एक स्क्रीन होगी पिक्सल होंगे, पिक्सल के पीछे ब्लू ग्रीन रेड कलर की कोटिंग होगी फॉस्फोर की, देन उसके पीछे शेडो मास्क होगा,
जिसके अंदर होल्स होंगे, जितने होल्स उतने पिक्सल या जितने पिक्सल उतने होल्स, हर एक होल हर एक पिक्सल के साथ अलाइन होगा। पीछे से क्या होगा, हमारे पास तीन बीम है, रेड ब्लू ग्रीन, हर किसी कलर के लिए एक बीम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वो बीम निकलेगी, ग्रुप होते हुए उस शैडो मार्क से होते हुए एक होल से निकलते हुए किसी भी पर्टिकुलर जो भी उसका पिक्सल पोजीशन होगी वहां पर जाके स्ट्राइक करेगी और उसकी अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो कलर जनरेट कर देगी। सिंपल चीज है, यही चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर कैसे कलर जनरेट होता है। चलिए इसे कर लीजिए। फायदा इसका ये है देखो कि भाई बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। नुकसान क्या है कि भाई थोड़ी सा एक्सपेंसिव है, एंड अगर कंपैरिजन करें कि भाई क्वालिटी के हिसाब से तो हाँ सही भी है, ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं इतनी बुरी भी नहीं है, बट ठीक है चलो काम चल रहा है, ठीक है। बट मेन चीज एक्सपेंसिव है, एंड फायदा क्या मेन कि बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर में कि वही शेडो मास्क टेक्निक या CRT क्या है उसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। चलिए, एंड वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार हम करेंगे डायरेक्ट वीडियो और डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइस, आई थिंक DVST यही कॉन्सेप्ट है, उसे करेंगे। देन इससे रिलेटेड फिर चीजें खत्म होगी तो हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स लाइन ड्राइंग एंड सर्कल ड्राइंग कॉन्सेप्ट पे। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।